हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग टेक्स वंस अगेन। आपके फेवरेट चैनल ट्रेंडिंग टेक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त दर्पण। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं एक स्पेसिफिक रीज़न की वजह से। दोस्तों, हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स ने हमें रिक्वेस्ट की थी कि मॉर्फो जो हमारा फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेटर डिवाइस है, इस डिवाइस को लेके जो बहुत सारी छोटी 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 प्रॉब्लम्स आप लोग फेस करते हैं, उनको लेके उन सब प्रॉब्लम्स को एक वीडियो में मैं क्लब करके उनका ट्रबल शूटिंग वीडियो बनाऊं। क्योंकि होता क्या है फ्रेंड्स, आप लोग कभी भी इस चीज़ को लेके, छोटी छोटी चीज़ों को लेके स्टक हो जाते हैं, और एट दैट मोमेंट इट मे बी मिडनाइट, इट मे बी एट सच मोमेंट जहाँ पे आप मुझे भी कॉन्टैक्ट ना कर पाएँ या आपको सपोर्ट ना मिल पाए, तो आप स्टक हो जाते हैं। तो ये वीडियो उस टाइम पर आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर हमने जो है मॉर्फो MSO 1300 के जो वेरिएंट्स हैं, उनके अंदर सबसे ज़्यादा जो 10 कॉमन प्रॉब्लम्स या क्वेरीज आप कह सकते हैं जो आप लोगों की होती हैं, उनके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की जो है हमने कोशिश की है। आप लोगों को जो है हमने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने की कोशिश की है। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये 10 कॉमन क्वेरीज या आपके क्वेश्चंस या प्रॉब्लम्स क्या हैं, और उसके बाद हम वन बाय वन इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है वो आपको बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं क्या। देखो, सबसे पहले तो डिवाइस परचेज़ कहाँ से करें, ये मेरे पास बहुत क्वेरीज आती हैं। एज मैंने अपने फ़ोन नंबर्स भी दे रखे हैं, तो मेरे को नाउ एंड देन कभी भी ये क्वेरी आती रहती है कि सर परचेज़ करना है, कहाँ से परचेज़ करें भाई, कहाँ पे इसका लिंक मिलेगा, क्या है क्या नहीं है। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन आता है डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करें इसके ड्राइवर्स को। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी प्रॉब्लम ये फेस करते हैं लोग कि भाई कहाँ से तो ड्राइवर्स इसके डाउनलोड करें, क्योंकि जब भी आप इस डिवाइस को परचेज़ करते हैं तो फ्रेंड्स इसके साथ कोई डिस्क या सीडी नहीं आती है। तो उस केस में होता क्या है कि आपके लिए एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि ड्राइवर मिलेंगे कहाँ से। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा इस क्वेश्चन के जवाब में कि कहाँ से आपको इसके डाउनलोड करने हैं ड्राइवर्स, और कैसे आपको उन्हें इंस्टॉल करना है। इसके बाद जो है ड्राइवर्स इंस्टॉल करने के लिए जो बड़ी एक बात आती है वो ये आती है कि आपको अपनी विंडोज़ का वर्ज़न कैसे चेक करना है। मतलब कि आपके विंडोज़ 32 बिट है या 64 बिट है, या विंडोज़ का वर्ज़न कौन सा है, विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 8 है, विंडोज़ 10 है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा कैसे आप चेक कर सकते हैं। छोटी सी चीज़ है, लेकिन इसके लिए भी यूज़र्स कुछ परेशान हो जाते हैं। और इसके बाद एक क्वेश्चन रेज होता है, बहुत से यूज़र्स पूछते हैं कि क्या ये डिवाइस जो है वो एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन्स पे सपोर्ट करता है या नहीं करता है। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि भाई कौन से ब्राउज़र्स ये सपोर्ट करता है, और कुछ ब्राउज़र्स सपोर्ट अगर नहीं करता तो क्यों नहीं करता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है कि जावा प्लगइन को कैसे डाउनलोड करना है, ये भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। फिर CSC में, क्योंकि ये डिवाइस बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो यहाँ पे CSC का सपोर्ट जो है वो कैसे अवेलेबल हो सकता है, ये हम आपको बताएंगे। उसके बाद हेल्पलाइन नंबर्स, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि होता क्या है फ्रेंड्स, जब भी आप मेरे को कॉन्टैक्ट करते हैं तो प्लीज़ एक चीज़ ध्यान में रखें कि मैं एक टेक्निकल पर्सन हूँ, मुझे जो है आप डिवाइस के बारे में पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली टेल यू, लेकिन आप किस पोर्टल पर इसको यूज़ कर रहे हैं इस बारे में, या किस पर्पज़ के लिए इसे यूज़ कर रहे हैं उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के बारे में, उस पर्टिकुलर पोर्टल के बारे में, तो वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं या कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव्स हैं वही आपको हेल्प कर सकते हैं। तो आपको वो हेल्पलाइन नंबर्स कैसे ढूंढने हैं ये मैं आपको बताऊंगा। फिर इस डिवाइस की वारंटी कैसे मिलती है और कितनी वारंटी है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, की और इस तरह के डिवाइसेस कौन कौन से अवेलेबल मार्केट में हैं, वो कहाँ पे मिलते हैं और कितने सक्सेसफुल हैं। तो फ्रेंड्स, ये 10 कॉमन क्वेश्चंस, क्वेरीज, फैक्ट्स आप कह सकते हैं, या फिर प्रॉब्लम्स जहाँ पे भी आपको इन चीज़ों को लेके आती है। कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम छोटी हो सकती है, कुछ के लिए बड़ी हो सकती है, बट स्टिल दीज आर द मोस्ट कॉमन क्वेरीज और प्रॉब्लम्स यू गाइस फेसिंग। तो इसलिए आज हम इन सब प्रॉब्लम्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम इनको ट्रबल शूट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, जो पहला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रेज होता है और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है मुझसे, वो ये होता है कि इस डिवाइस को परचेज़ कहाँ से करना है।
तो ऑनलाइन अगर आप इस डिवाइस को परचेज करना चाहते हैं, उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको इसे कैसे परचेज करना है। सिंपली हमारा जो वीडियो है, उस वीडियो के अंदर आप डिस्क्रिप्शन में जाते हैं, यहाँ पे शो मोर के ऊपर आप क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए बाइंग लिंक आपको मिलता है। इस लिंक के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो ये आपको वेबसाइट के ऊपर ले जाता है और वहाँ से जाके आप इस डिवाइस को परचेज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीका है इस डिवाइस को परचेज़ करने के लिए, सिंपली आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप जब भी लिंक पे क्लिक करेंगे ये आपको ले जाएगा और बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस के अंदर आपको ये डिवाइस ऑनलाइन मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, ये तरीका है इस डिवाइस को परचेज़ करने का। इसके साथ साथ मैं कुछ और भी लिंक्स आपको दूंगा जहाँ से आप और ऑप्शंस आपको इस डिवाइस को परचेज़ करने के मिल सकें। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आपका या तो एरिया अगर सर्विसेबल नहीं है ऑनलाइन ई कॉमर्स साइट के द्वारा, तो आप हमारे को कॉल भी कर सकते हैं। जो ये नंबर्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं, इन नंबर के ऊपर आप कॉल करके भी हमारे को अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और हम ये डिवाइस आपकी पेमेंट रिसीव होने के बाद आपको भेज देंगे। सो दिस इज़ द सेकेंड ऑप्शन कि आप जो है इस तरीके से भी डिवाइस को परचेज़ कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल द ड्राइवर्स। ड्राइवर्स को कहाँ से डाउनलोड करें और कैसे इंस्टॉल करें, तो ये एक सबसे बड़ी चीज़ है जो कि मोस्ट ऑफ़ द यूज़र्स को समझ में नहीं आ पाती है किसी कारण से, और वो स्टक इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया इस डिवाइस के साथ कोई भी सीडी ड्राइवर्स की अवेलेबल नहीं हो पाती है मोस्ट केसेस के अंदर। तो हम इसको आपको समझाते हैं कि किस तरीके से आपको ड्राइवर्स को डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक जो पोर्टल है जीवन प्रमाण का, हमारी भारत सरकार का, वहाँ पे भी ये डिवाइस सपोर्ट करता है जीवन प्रमाण के लिए। तो इसके लिए आपको करना क्या है, जीवन प्रमाण की आप साइट पे जाइए। साइट है JEEVANPRAMAAN, jeevanpraman.gov.in, ये साइट का URL है। अदरवाइज़ आप इसे गूगल में भी सिंपली सर्च करेंगे जीवन प्रमाण को, तो ये यहाँ पे आपको ले जाएगा। तो जब आपकी जीवन प्रमाण की वेबसाइट खुल जाती है, ये देखिए यहाँ पे ये जीवन प्रमाण की आपकी वेबसाइट खुल गई है, तो आपको करना क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट है, बिल्कुल सेफ है, इस साइट में आपको जाना है और डाउनलोड का ऑप्शन देखना है। ये देखिए यहाँ पे आपको ये डाउनलोड का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस डाउनलोड के ऑप्शन को आपने क्लिक करना है। तो जब आप इस डाउनलोड के ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको डाउनलोड एप्लीकेशन करने के लिए कहता है। तो एक चीज़ जो है, ये जीवन प्रमाण के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आराम से जो है आप इसको जो है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाउनलोड करनी है, सॉरी एंटर करनी है। जैसे मैं अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। आई एग्री टू डाउनलोड पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए आपके पास जो है ये विंडो जो खुली है, इसके अंदर आपको सारे ड्राइवर्स मिल जाते हैं। जैसे कि मोबाइल ऐप पे अगर आप इसे चलाना चाहते हैं, मोबाइल के ऊपर, एंड्रॉयड के ऊपर आपके जो ड्राइवर्स आपको है, वो आपको यहाँ पे आयरिटेक के, मंत्रा MFS 100 के, मॉर्फो MSO 1300 सीरीज़ का कोई भी डिवाइस है, ये हमारा मेन डिवाइस है, ये मॉर्फो MSO 1300 सीरीज़ का कोई भी डिवाइस है वो यहाँ पे सपोर्ट करता है मोबाइल्स के ऊपर। देन स्टारटेक, और उसके बाद सैमसंग टैब आपका जो है आइरिस, ये भी यहाँ पे सपोर्ट करता है। उसके बाद PC ऐप। अब आप देखिए अगर आप अपने कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो भी यहाँ पे मोस्ट ऑफ़ द डिवाइसेस सपोर्टेड हैं और इनके अंदर जो है मॉर्फो भी इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे आप जो है सिंपली अपना डिवाइस जो है वो आप अपना जो है सिलेक्ट कीजिए। जैसे मॉर्फो आपने करना है तो यहाँ पे मॉर्फो देखिए यहाँ पे आपका आ गया है, और ये आप 32 बिट है अगर आपकी विंडोज़, या अगर आपकी विंडोज 64 बिट है, आप चेक कर सकते हैं, तो वो उसके लिए आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आप एंड्रॉयड के लिए कर रहे हैं तो आप ये पूरा ही फोल्डर डाउनलोड कर लीजिए और मोबाइल ऐप पे आप क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पे ये APK आपकी आ गई, और ये आप इंस्टॉल करेंगे तो ये ऑटो डिटेक्ट कर लेगा। तो ड्राइवर्स आपके इस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं आपको एक्सपेंड करके दिखाता हूँ। जैसे मेरी विंडोज 64 बिट है तो मैं यहाँ पे मॉर्फो MSO 1300 के लिए मैंने सिलेक्ट करा और मैंने इस फाइल को जो है सेव कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, ये फाइल मेरी सेव हो रही है यहाँ पे।
और जैसे ही ये फाइल हमारी यहाँ पे सेव होती है, उसके बाद हम जो है इस फाइल को अनरार करेंगे या अनजिप करेंगे, और उसके बाद जो है हमारे को ये ड्राइवर्स इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। फिर हमें इंस्टॉल कैसे करना है, इसके अंदर सेटअप दिया गया है, उसी सेटअप से हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं इजीली। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाकी के डिवाइसेस के लिए भी इजीली अवेलेबल हैं सारी इंडिविजुअल फाइल्स। तो यहाँ पे आप जो है सिंपली अपना डिवाइस सिलेक्ट कीजिए और आपको जो है अपना डिवाइस के लिए जो है ड्राइवर इजीली मिल जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और एक चीज़ का और भी आपको मैं बता दूं कि इसमें क्लियरली मेंशन्ड है यूजेज ऑफ द एप्लीकेशन फॉर एनी अदर पर्पस इज प्रोहिबिटेड। तो आपको जो है बेसिकली इसमें ड्राइवर्स आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन इस ऐप को जीवन प्रमाण के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है, अगर आप इसके लिए ऑथराइज्ड हैं तो। अगर आप नहीं हैं इसके लिए ऑथराइज्ड तो आप खाली ड्राइवर यूज़ कर सकते हैं, बट ऐप को किसी और यूज़ में आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ड्राइवर आपका इजीली यहां से आपको मिल जाएगा। ड्राइवर हमारा डाउनलोड होने वाला है, लेस देन 1 मिनट इज़ देयर। तो आइए इसको एक बार डाउनलोड होने देते हैं। आपको मैं फिर से एक बार रिवाइज़ कर दूं कि jeevanpraman.gov.in साइट के ऊपर आपको जाना है, और आपको जो है उसके बाद वहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालनी है। डाउनलोड ऑप्शन में जाके ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको जो है आई एग्री करके ओके करना है, और आपको यहाँ पे आके अपनी विंडोज़ के वर्ज़न के मुताबिक ही ड्राइवर आपको डाउनलोड करना है। अगर 32 बिट है तो इस लिस्ट में से डाउनलोड करेंगे, 64 बिट है तो आप इस लिस्ट में से डाउनलोड करेंगे। तो ये आपका विनजिप फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा, और जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो इसे अनजिप करने के लिए, क्योंकि ये कंप्रेस्ड फॉर्मेट में होगा, आपको एक जिपिंग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी, जैसे विनजिप, विनरार, जो भी फ्री सॉफ्टवेयर आपका नेट पे अवेलेबल है उसको आप डाउनलोड करके और इसे अनजिप कर सकते हैं, या विंडोज़ के अंदर भी आपको इसको अनजिप करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा ऑलमोस्ट डाउनलोड हो गया है। मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर ले लेता हूँ और एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ मैं इसको। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे एक्सट्रैक्ट करा तो ये मेरे पास फोल्डर आ गया है 62 बिट मॉर्फो MSO 1300 सीरीज़ का। 13XX मीन्स कि 1300 सीरीज़ के सारे डिवाइसेस जो हैं, 1300, E1, E2, E3 और भी आने वाले डिवाइसेस को भी ये सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे देखिए, अब अगर आप जीवन प्रमाण की एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं या आप उसे करना चाहते हैं तो ये दो चीज़ें आपके काम की हैं। अदरवाइज़ आपको खाली ड्राइवर लेना है, यहाँ से आपको सेटअप चलाना है और आपका ड्राइवर जो है आपके पीसी में इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं मॉर्फो स्मार्ट USB 64 बिट ड्राइवर्स। और नेक्स्ट करना है आपको। अब यहाँ पे ऑलरेडी मैंने क्योंकि इंस्टॉल करके देखा था तो ये मेरे से पूछ रहा है ऑप्शन मॉडिफाई, रिपेयर या रिमूव का। अदरवाइज़ आपको सिंपली इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आएगा, आप उसे नेक्स्ट करेंगे और ये आपको इंस्टॉल कर देगा। यहाँ पे आपको परमिशन मांगेगा यूज़र अकाउंट कंट्रोल की, आपने यस कर देना है और ये आपका ड्राइवर इजीली इंस्टॉल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपने डिवाइस को इंस्टॉल कर सकते हैं इजीली। और उसके बाद आपको एक बार जो है पीसी को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, आपको उसके लिए यस करना है। फिलहाल मैं इसे नो कर रहा हूँ। इस तरीके से आपका जो डिवाइस है वो इंस्टॉल हो जाएगा, और आपको जो है वो यहाँ पे अपने प्रॉपर्टीज़ में जाके, डिवाइस मैनेजर में जाके आपको आपका डिवाइस दिख जाएगा। ठीक है जी, जहाँ पे भी आपका डिवाइस है वहाँ पे आपको आपका डिवाइस दिख जाएगा। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपको समझ में आ गया है, अगर नहीं आया तो आप हमें फिर भी कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, बट दिस इज़ क्वाइट ईजी मैंने जैसे आपको बताया है। अब इसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हाउ टू चेक वर्जन ऑफ विंडोज़। तो ये बहुत एसेंशियल है, मोस्टली यूज़र्स को ये चीज़ नहीं पता होती, हालांकि बहुत छोटी सी चीज़ है, बट स्टिल अगर किसी को नहीं समझ में आ रही है तो उसके लिए तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सी चीज़ है, जैसा कि अभी आप ड्राइवर डाउनलोड करते टाइम भी आपको ये चीज़ देखनी थी कि आपका विंडोज़ का वर्ज़न कौन सा है। तो ये मैं क्वेश्चन हालांकि इससे पहले रेज होना चाहिए था, बट स्टिल मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको चेक करना है। आपको अपने माई कंप्यूटर पर जाना है, राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ में जाना है। यहाँ पर आपको बाहर ही ये दिख जाएगा
देखिए सिस्टम टाइप के अंदर लिखा हुआ है 64-बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है जी। और विंडोज़ का जो एडिशन है वो आपका विंडोज 7 प्रोफेशनल है। सो इस तरीके से आप जो है अपने विंडोज़ का वर्ज़न चेक कर सकते हैं कि दिस वन इज़, अगर ये 32-बिट होता तो यहाँ पे 32-बिट ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा होता, अगर आपका 64-बिट है तो 64-बिट लिखा हुआ है। इसी तरीके से आप विंडोज़ 8 के अंदर भी चेक कर सकते हैं कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्ज़न कौन सा है। तो फ्रेंड्स, ये आपने देखा कि किस तरीके से आपको अपने विंडोज़ का वर्ज़न पता लगाना है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, देखिए, डज इट सपोर्ट एंड्रॉयड मोबाइल फोन्स। बड़ा सवाल है, बहुत यूज़र पूछते हैं, खरीदने से पहले भी पूछते हैं, खरीदने के बाद भी पूछते हैं। तो फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ हो वैसे खरीदने से पहले ही क्लियर कर लेनी चाहिए, बट स्टिल हाँ, ये सारे एंड्रॉयड फ़ोन्स, जितने भी आपके रीसेंट एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं, उन सभी को सपोर्ट करता है और बहुत आराम से करता है। ड्राइवर्स, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि जीवन प्रमाण की साइट पे जब आप जाते हैं और यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे देखिए आपको मॉर्फो का जो MSO 1300 सीरीज़ है वो सपोर्टेड है। आप अपनी मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए और ये इजीली आपका ड्राइवर उसका इंस्टॉल हो। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि विच ब्राउजर्स आर सपोर्टेड बाय दिस डिवाइस। ये डिवाइस कौन कौन से ब्राउजर्स को सपोर्ट करता है? तो फ्रेंड्स, ये डिवाइस मोस्टली मोजिला, गूगल क्रोम और इंटरनेट एक्सप्लोरर, तीनों डिवाइसेस को सपोर्ट करता है। इसके अलावा कुछ यूजर्स ने हमें रिपोर्ट करा है कि इट ऑल्सो वर्क ऑन सफारी एंड ओपेरा, तो सफारी और ओपेरा पे भी चलता है। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मोजिला या गूगल क्रोम को ही यूज़ करें इस पर्टिकुलर डिवाइस के लिए। अब एक बहुत बड़ी मैं आपको बात यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द यूजर्स को ये प्रॉब्लम आती है कि ये डिवाइस कुछ पोर्टल्स के अंदर, यानी कि कुछ सेवाओं जो आपको गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही हैं, गवर्नमेंट की कुछ जो है फैसिलिटीज़ के ऊपर तो ये सपोर्ट करता है। जैसे सपोज आपका CSC पे कर रहा है तो किसी स्टेट गवर्नमेंट की साइट पे नहीं चल रहा, ठीक है जी। आपका किसी सिम इशुएंस के लिए चल रहा है लेकिन किसी दूसरी सिम इशुएंस के लिए नहीं चल रहा है, तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि डिवाइस एक है, ब्राउज़र भी वही है, एक जो आपकी सर्विस है उस पे चल रहा है लेकिन दूसरी सर्विस पे नहीं चल रहा है। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और ये मैं आपको बताता हूँ कि हाउ डज इट वर्क, और ये जो है वो किस तरीके से काम करता है, आपको कैसे इसे ट्रबल शूट करना है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, जब भी आप किसी भी ब्राउज़र को देखते हैं, जैसे मैं आपको मोजिला के लिए दिखा रहा हूँ, आपको करना क्या है, ऑल्ट टी कीजिए, ऑल्ट टी। जब आप ऑल्ट टी करेंगे तो आपका ये मेन्यू खुल जाएगा, या सिंपली आप ऑल्ट का बटन दबाइए तो भी आपका ये मेन्यू खुल जाएगा। यहाँ पे आप हेल्प में जाइए और अबाउट फायरफॉक्स में चले जाइए, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, आपने देखना क्या है कि आपका वर्जन कौन सा है ब्राउज़र का। ये आपका 52.0 वर्जन है फायरफॉक्स का। तो अगर आपका जो डिवाइस है वो इस तरह की प्रॉब्लम दे रहा है, इस तरह का बिहेवियर कर रहा है कि एक सर्विस पे चल रहा है सेम ब्राउज़र में और दूसरी सर्विस पे नहीं चल रहा है, तो आप सिंपली क्या कीजिए, जैसे ही आपका 52.0 वर्ज़न है, इसको आप डाउनग्रेड कर लीजिए और मोस्टली कोशिश कीजिए कि 32-बिट ऑपरेटिंग, सॉरी, 32-बिट ब्राउज़र का वर्ज़न जो है वही डाउनलोड करें। और ये आपका 64-बिट और 32-बिट दोनों पे चलेगा, और इससे आप एक या दो वर्ज़न कम जो है अपना ब्राउज़र डाउनलोड कर लीजिए। यानी कि जैसे ये 52.0 है, अगर ये यहाँ पे आपको परेशानी दे रहा है तो आप 50 डाउनलोड कर लीजिए, या 51 डाउनलोड कर लीजिए, या 48, 49 डाउनलोड कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, उससे आपकी प्रॉब्लम 99% सॉल्व जो है वो हो जाएगी। मोस्टली यूज़र्स ने हमें कंफर्म भी करा है और मैं उन्हें थैंक यू भी करना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग जो हमें फीडबैक देते हैं, जो आप हमसे फीडबैक शेयर करते हैं, उसी के बेसिस पे हम आपके दूसरे भाइयों की भी हेल्प कर पाते हैं, उनको भी हम सपोर्ट दे पाते हैं। तो यहाँ पे आपको बस करना क्या है, सिंपली अपना ब्राउज़र को डाउनग्रेड करना है, यानी कि एक वर्ज़न या दो वर्ज़न उससे पीछे गए आपको जाना है और आपका ये डिवाइस वर्क करने लगेगा।
तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिए, और अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम आए तो सिंपली अपने ब्राउज़र को डाउनग्रेड कर लीजिए, चाहे वो क्रोम हो चाहे वो मोजिला हो। मोस्टली मोजिला में ये बहुत होता है और मोजिला में बहुत आराम से सपोर्ट भी करता है, तो ये मोजिला में आप ये कर सकते हैं और आपका जो है डिवाइस आपके ब्राउज़र के ऊपर फर्स्ट क्लास उसके बाद चलेगा। तो फ्रेंड्स, ये आपकी जो है एक चीज़ थी जो मैंने आपको बताई कि ब्राउज़र्स कौन से सपोर्ट करते हैं। ब्राउज़र्स हाँ आपके जो है वो सारे सपोर्ट करते हैं, बट आपको जो है ये ध्यान रखना है कि अगर नहीं कहीं पे दिक्कत आपको आ रही है, नहीं चल पा रहा है, तो आप अपना ब्राउज़र को डाउनग्रेड कर लीजिए। अब ये आपका इशू आई थिंक आपको लगता होगा कि अब सॉल्व हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये क्वेश्चन है हाउ टू डाउनलोड जावा प्लगइन। जावा प्लगइन को आप कैसे डाउनलोड करें? तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है इसके साथ मैं एक क्वेश्चन और ऐड कर देता हूँ कि हाउ टू डाउनलोड जावा प्लगइन एंड हाउ टू डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट फ्रेमवर्क। ठीक है जी, ये दो सर्विसेज ऐसी हैं जो आपको हो सकता है कि जिस पोर्टल पे आप काम करने जा रहे हैं वहाँ पे प्री रिक्वेस्ट हो, यानी कि आपको इनकी ज़रूरत वहाँ पे पड़ सकती है। तो आपको सिंपली करना क्या है, आपको अपना ब्राउज़र खोलना है और सिंपल, ज़्यादा इशू में ना पड़ के गूगल कीजिए, गूगल सर्च आप कीजिए और वहाँ पे आप टाइप कीजिए डाउनलोड जावा। देखिए, ठीक है जी, आप यहाँ पे जाएंगे, फ्री जावा डाउनलोड ये यहाँ पे आ जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, आप सिंपली यहाँ पे सेव फाइल कीजिए, आपकी फाइल सेव हो जाएगी। आपको सिंपली क्या करना है, सेटअप चलाना है, ऊपर से क्लिक करके यस करना है और आपका जावा का सेटअप चल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आ गया है, आपने नेक्स्ट करना है, वेलकम टू जावा पे ये इंस्टॉलर को डाउनलोड कर रहा है। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, पेशेंस ऑलवेज पेज, तो आपको पेशेंस रखने हैं। यहाँ पे जो है ये आ गया है, रिकमेंडेड सेट किया हुआ एज योर होम पेज। सो यहाँ पे आपको करना है डू नॉट अपडेट ब्राउज़र सेटिंग्स। ओके जी, यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया हमने और ये जावा हमारा यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। तो जावा इंस्टॉल होने देते हैं, हार्डली 30 से 40 सेकेंड या 1 मिनट लगता है, डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट स्पीड। कुछ समय ज़्यादा या कम भी लग सकता है, तो पेशेंसली आपको वेट करना है इसका, और इसके बाद जो है जावा आपका इंस्टॉल हो जाएगा। और इसी तरीके से आपको अपने जावा को क्रोम के ऊपर भी इंस्टॉल करना है, सिंपली सेम वे है। वहाँ पे भी ऐसे ही आपको गूगल सर्च करना है, जावा डाउनलोड टाइप करना है और यहाँ पे जाके जावा के ऊपर आपको गेट जावा पे क्लिक करना है। जावा का एक छोटा सा आपका इंस्टॉलर ओपन होगा, उसको रन कर देना है। फिर जब आप नेक्स्ट करेंगे तो ये प्रोसेस आपका इनिशिएट हो जाएगा और आपका जावा इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट कर देना है और यहाँ पे आ गया है, यू हैव सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड जावा। तो आपने देखा है फ्रेंड्स किस तरीके से जावा जो है वो इंस्टॉल हो जाता है। तो यहाँ पे आपका जावा जो है वो आपका डाउनलोड हो गया है, इंस्टॉल हो गया है। और इसके बाद अगर आप क्रोम में करना चाहें तो क्रोम में भी मैं आपको प्रोसीजर दिखा देता हूँ। सिंपली आपको वही गूगल सर्च करना है और यहाँ पे टाइप कर देना है जावा डाउनलोड, क्लिक कर देना है और फ्री जावा डाउनलोड के ऊपर हमने दोबारा से क्लिक करना है। एग्री एंड स्टार्ट फ्री डाउनलोड पे हमने क्लिक कर देना है। देखिए ये यहाँ पे आ गया है, मैं इसको रन कर रहा हूँ।
रन करने पे ये नेक्स्ट इंस्टॉल करना है हमारे को, इंस्टॉलिंग जावा आ रहा है लिखा हुआ। और मैं आपको प्रेफर भी यही करूँगा कि आप मोजिला और क्रोम दोनों में ही अपने जो है जावा इंस्टॉल कर लीजिए। ऑलमोस्ट हमारा जावा इंस्टॉल हो गया है फ्रेंड्स। यहाँ पे ये देखिए, यू हैव सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड जावा। मैं इसे क्लोज करता हूँ और जावा जो है हमारा वो यहाँ पे पूरा इंस्टॉल हो गया है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। और इस तरीके से मैंने आपको दिखा दिया है कि इस तरीके से जावा इंस्टॉल करना है। अब मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट फ्रेमवर्क, अगर आपको कहीं पर डॉट नेट फ्रेमवर्क की ज़रूरत है तो वो भी बता देता हूँ कैसे आपको करना है। डॉट नेट फ्रेमवर्क ये 4.6 वर्ज़न है, आप यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट की साइट से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो वेब इंस्टॉलर, तो ये भी जैसे आपका जावा हुआ है वैसे भी और वैसे ही होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिलेक्ट लैंग्वेज इंग्लिश है, ऑलरेडी सिलेक्टेड ये कह रहा है, डाउनलोड कर लेते हैं। इस तरीके से जो है माइक्रोसॉफ्ट जो, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास जो है फ्रेमवर्क डॉट नेट फ्रेमवर्क ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो ये कह रहा है कि इट इज़ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर। बट अगर ये इंस्टॉल्ड नहीं होगा तो ये आपका इंस्टॉलेशन का प्रोसेस आगे चल जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेम आप डॉट नेट फ्रेमवर्क भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और मेक श्योर अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो ये जावा और डॉट नेट फ्रेमवर्क आपका इंस्टॉल होगा, तो आई थिंक आपका वो इशू सॉल्व हो जाएगा। मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि ये दोनों ही जो चीज़ें होती हैं ये इंस्टॉल नहीं करते हैं लोग, इस वजह से काफ़ी इशू आता है। तो ये हमारा क्वेश्चन भी सक्सेसफुली सॉल्व हो गया है, हाउ टू डाउनलोड जावा प्लगइन और माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट फ्रेमवर्क हम कैसे इंस्टॉल करें। अब आगे चलते हैं, हाउ टू गेट सपोर्ट फ्रॉम सी एस सी से सपोर्ट कैसे प्राप्त करें। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और बहुत कॉल्स आती हैं इस क्वेश्चन के लिए अभी। और मैं एक बार फिर से आप सबको यही कहना चाहता हूँ कि भाई मैं जो है एक टेक्निकल पर्सन हूँ, मैं आपको टेक्निकल नॉलेज दे सकता हूँ, लेकिन पर्टिकुलर किसी भी पोर्टल के लिए कोई भी गवर्नमेंट की सेवा जो है जो आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं या प्राप्त कर रहे हैं उसके बारे में मेरे लिए बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट स्टिल मैंने आपकी, क्योंकि बहुत रिपीटेड कॉल्स आ रही थी, तो मैंने इसका आंसर ढूंढा है और मैं आपको बताता हूँ। आपको सीएससी से सपोर्ट अगर लेना है तो उसके लिए आपको सिंपली एक गूगल सर्च करना है। गूगल में जाइए और यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए CSC हेल्प डेस्क। ये देखिए ये मैंने कर रखा है CSC हेल्प डेस्क, और इसकी साइट भी है helpdesk.csc.gov.in। तो आप इस साइट के ऊपर जब आप जाते हैं तो यहाँ पे देखिए ये आपका साइट खुल जाती है, ठीक है जी। ये हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ से आप हेल्पलाइन नंबर जो है अपना कॉल कर सकते हैं इनको, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू। अगर आपकी CSC, आप एक वैलिड CSC ऑफ ऑथराइज्ड पर्सन हैं, और आप यहाँ पे टिकट भी रेज कर सकते हैं। देखिए ध्यान से पढ़िए, फॉर OMT रिलेटेड इश्यूज़ प्लीज़ मेल अस एट helpdesk@csc.gov.in, ठीक है जी। और फॉर फार्गो प्रिंटर इश्यूज़ और कंप्लेंट प्लीज़ मेल अस csd@idacsolutions.in। तो ये आपकी पर्टिकुलर क्वेरी बेस्ड टिकट रेज करने के लिए है, और यहाँ पे आपको सपोर्ट का नंबर भी दिया गया है। CSC अगर आप किसी और ब्राउज़र पर यूज़ कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिए, द एप्लीकेशन इज़ कंपैटिबल विद मोजिला फायरफॉक्स एंड गूगल क्रोम ओनली, ये आपकी चीज़ है। ऊपर यहाँ पे जो है ट्रैकिंग सिस्टम भी है, आपने टिकट रेज करी है तो आप उसे कैसे है ट्रैक कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए अब आप CSC कनेक्ट, एक ये टूल है, इसकी हेल्प से जो है आप CSC से कनेक्ट भी हो सकते हैं रिमोटली, ठीक है जी। तो ये आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं CSC से हेल्प लेने के। तो आपको कभी भी कोई भी इशू CSC से रिलेटेड आता है तो आप यहाँ से जाके उनसे सपोर्ट ले सकते हैं।
तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है कि अभी मैंने जो ऑलरेडी आपको बताया हेल्पलाइन नंबर्स ऑफ पोर्टल्स, हेल्पलाइन नंबर्स कहाँ से लें। तो जैसे मैंने आपको बताया गूगल सर्च सिंपली आपको करना है, जैसे यहाँ पे CSC हेल्प डेस्क का नंबर मैंने दिया हुआ है, ऐसे ही आपका कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का है, किसी भी चीज़ का है, आप उनकी हेल्पलाइन नंबर्स पे जाइए और दे आर रेडी टू हेल्प यू। आप उनसे हेल्प मांगेंगे तो वो ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे और आपका इशू सॉल्व हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है इस डिवाइस की वारंटी कितनी है। तो जैसा कि हमने सुना है और कहा जाता है कि इस डिवाइस की 1 ईयर वारंटी है, और उसके ऊपर भी वही सारी चीज़ें अप्लाई होती हैं कि भाई का फिजिकल डैमेज नहीं होना चाहिए, कट नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, बर्न्ड नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें उसके ऊपर भी अप्लाई होती हैं, और भी मैन्युफैक्चरर की जो टर्म्स हैं वो अप्लाई होती हैं। वारंटी लेने के लिए आप अपने प्लेस ऑफ परचेज यानी कि जहाँ से आपने इस डिवाइस को ख़रीदा है वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 1 साल तक विद प्रूफ ऑफ परचेज अपने इनवॉइस के साथ। ठीक है जी, तो ये आपका एक और क्वेश्चन था जिसकी हमने कोशिश करी आपको जवाब देने की। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस तरह के और कौन कौन से डिवाइस अवेलेबल हैं। अब कई यूज़र्स पूछते हैं कि मॉर्फो के अलावा क्या और कोई ऐसे डिवाइसेस हैं जो आपकी इन्हीं सर्विसेज के ऊपर चल जाएँ, या इस तरह के और डिवाइसेस जो बाकी चीज़ों के साथ कंपैटिबल हो। तो इसका आंसर है हाँ, दे आर डेफिनेटली अवेलेबल। आप देखिए सेक्यूजेन हेमस्टर प्रो, मैं इन डिवाइसेस के भी जो परचेज लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप चाहें तो वो भी खरीद सकते हैं। मॉर्फो अगर आपको नहीं खरीदना है, वो खरीदना है, तो वो भी खरीद सकते हैं। सेक्यूजेन हेमस्टर प्रो ये डिवाइस आपका अवेलेबल है। उसके बाद आपका 3M कोजेंट का CST200 बहुत पॉपुलर डिवाइस है, ये भी अवेलेबल है मार्केट में। मंत्रा MS100 करके एक डिवाइस आता है, ये भी अवेलेबल है, और फिर स्टारटेक का एक डिवाइस भी अवेलेबल है। तो ये आप डिस्क्रिप्शन में हमारे देख सकते हैं और वहाँ से परचेज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दैट इज़ ऑल वट वी हैव यू इन दिस सेशन और इन दिस वीडियो। तो अब आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो स्टिल हम अभी कहीं आपको छोड़ के बीच में नहीं जाएंगे, आप हमारे से अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। डेफिनेटली वी आर देयर टू हेल्प यू। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपको कैसा लगा ये वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर किसी कारण से आपको अच्छा नहीं लगा तो बताइएगा भी ज़रूर कि अच्छा क्यों नहीं लगा। हम आपके लिए ही काम करते हैं, आपका प्यार, आपके फीडबैक्स, आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं कि हम आपके लिए और ज़्यादा अच्छे तरीके से वीडियोस आपके लिए बना के लाएं, आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालें। तो आपके जो हैं यही कमेंट्स, आपका अप्रिसिएशन, आपका जो हमें आप मोटिवेट करते हैं, ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी डोज का काम करता है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और हमसे बातें करते रहिएगा। हम जवाब चाहे आपको सारी आपके कमेंट्स का ना दे पाएँ, बट हम ज़रूर पढ़ते हैं और उन पे हम लोग जो है कार्रवाई भी ज़रूर करते हैं, उनको ज़रूर हम इम्प्लीमेंटेशन में लाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगले वीडियो तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस ऑन ट्रेंडिंग टेक्स। आपके अपने फेवरेट चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए और इसे एक फैमिली बनाने के लिए दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। बाय बाय।